24 घंटे में कोरोना के लगभग 30,000 नए मामले आए और 582 मौतें, कुल मौतें 24,000 के पार हुई। तनाव कम करने के लिए पूर्वी लद्दाख के चुशूल में भारत चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत 14 घंटे तक चली। जम्मू कश्मीर में पर्यटन शुरू, लेकिन पहुंचने पर सैलानियों को कोरोना जांच करवाना अनिवार्य। मृत विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की पत्नी की तहरीर पर पश्चिम बंगाल सीआईडी ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह क्वारंटाइन में गए, कोरोना के शिकार जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना के संपर्क में आए थे। एमआईटी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अदालत जाने पर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, विदेशी छात्रों को उनके देश वापस भेजने के फैसले से अमेरिका पलटा। अमेरिकी प्रांत फ्लोरिडा में पाबंदियां हटने के बाद संक्रमण बढ़ा, एक दिन में रिकॉर्ड 132 मौतें हुई और 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के चलते अमेरिका ने हांगकांग को कारोबार की वरीयता सूची से बाहर किया, ट्रंप बोले हांगकांग में आजादी और अधिकार छीने गए। और कोरोना महामारी के चलते 13 करोड़ नए लोगों पर भुखमरी की आशंका, संयुक्त राष्ट्र ने कहा 2014 के बाद समस्या बढ़ रही है।